स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम 17 में 8 का डिवाइड करें तो बच्चों ये आपको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ भी मिल सकता है। देखिए 8 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या क्या हो, 8 से बड़ी हो। तो यदि एक अंक की संख्या है तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 8 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर क्या करना है, अगला अंक शामिल करना है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हम एक अंक को लें एक अंक की संख्या के लिए या अगला अंक और शामिल करें, इसका डिसाइड कैसे करें। ठीक है, अब बन गया 17, क्या है आपका, 8 से बड़ा है। अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार लें कि हमें 17 से बड़ा ना मिले। देखिए एक आठ आटो बे आटा हो रहा है, तीन आठ 24, तीन बार लिया 17 से बड़ा आ गया। दो बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, कितनी बार लिया, दो बार, यानी भाग गया दो बार, 16 मिल गया। फिर हम इसको घटाते हैं। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लेंगे और इसके साथ एक ज़ीरो लिख देंगे, कितना बन गया 10। देखिए 8 का पहाड़ा दो बार लेते हैं तो 10 से बड़ा आ रहा है, लेकिन एक बार लेते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर हम इसको घटाते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो ज़ीरो आ गया। 20 में कितनी बार गया, फिर दो बार, क्योंकि तीन बार लेते हैं तो 20 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, फिर आ गया 16, फिर हम घटाते हैं, कितना आ गया, 4। ध्यान से देखो दोस्तों, आप में से कुछ विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार लेते हैं वो भी 20 से बड़ा नहीं है, लेकिन 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 वो 20 से बहुत ज़्यादा दूर है। यानी ऐसे समझो कि जो हम यहाँ पर घटाएंगे और जो संख्या आएगी वो आपका 8 से छोटी होनी चाहिए, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे छोटी होनी चाहिए। उसका तरीका क्या है, जैसे हमने दो बार लिया, उससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब दो बार लेना यहाँ पर सही है। पॉइंट लगा रखा तो जीरो आ गया। देखिए 8 का पहाड़ा पाँच बार लेते हैं, कितना आता है बच्चों, 40 आता है। कितनी बार लिया, पाँच बार, 40 आ गया, घटाया जीरो आ गया। ये आपका बच्चों क्या बन गया, भागफल 2.125। फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।